हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज की जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार केवीएस पीआरटी में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर विटामिन का पूरा टॉपिक एक दिया हुआ है। तो इस टाइम जो है हम पूरी के पूरे ट्रिक के ज़रिए जो है विटामिन्स के पूरे नाम और उनके जो है जो डिज़ीज़ है विटामिन से होने वाली वो, और किस में कितना सबसे ज़्यादा वो किस मात्रा में किस पाया जाता है, कितना पाया जाता है, और कौन से पानी में घुलनशील हैं और कौन से वसा में घुलनशील हैं, ये आज हम जो है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फ्रेंड्स चलिए, हम टाइम ना गंवाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन एक प्रकार का ऊर्जा कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। फ्रेंड्स, इससे कोई भी ऊर्जा या एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होती, ना कैलोरी ना ऊर्जा प्राप्त होती, परंतु ये शरीर से विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। जो विटामिन का कार्य सिर्फ एक ही है कि वो रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। बस विटामिन हमें ना ही हमें ऊर्जा मिलती है, ना ही कैलोरीज मिलती हैं विटामिन से, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन जो है 6 प्रकार के होते हैं, ABCDEK, ये एक बार और जी, विटामिन जो है ABCDEK, ये 6 प्रकार के होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसी के अंदर ही जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं और वसा में नहीं घुलते वो विटामिन है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने एक ये देखिए, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा पूरा का पूरा, और आपका मैं 100% पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा पूरा सा। सबसे पहले कि विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन सबसे पहले कहा किसने कि हाँ भाई विटामिन है ये, विटामिन रोगों से रक्षा करता है, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये जो कहा था, देखिए आप सामने एक बच्चा देख रहे हैं कि एक बेबी है, यहाँ पर बेबी रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से, मैंने उस बेबी को विटामिन दे दिया पीने के लिए, मैंने दूध नहीं दिया, मैंने विटामिन दे दिया उसे पीने के लिए। तो विटामिन पीने के बाद उस बच्चे के जो है पंख निकल कर आ गए। आप देख रहे हैं इस बच्चे के यहाँ पर क्या निकल कर आ गए, ये पंख निकल कर आ गए। पंख से आप याद रखेंगे फंक, यानी कि विटामिन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी फ्रेंड्स? पंख ने करी थी, यानी कि फंक ने करी थी। पंख से हमें याद रखना है, पंख निकल कर आ गए इस बच्चे के, तो विटामिन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? फंक ने करी थी, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको अब ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये विटामिन जो है क्या क्या काम करते हैं और किस में किस मात्रा में पाए जाते हैं और इनसे डिजीज़ क्या है होने वाली। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले आपको एक सामने के दिख रहा होगा रथ पर एक टॉफ़ी, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने रथ है, ये रथ पर यहाँ पर एक टॉफ़ी है मान लीजिए, तो ये है क्या? देखिए फ्रेंड्स ये कुछ नहीं है, ये ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। रथ पर यहाँ पर जो है साइलेंट रहेगा, ये जो पर है ये साइलेंट रहेगा, इसको आप हटा दीजिए पर को। रथ पर एक टॉफी, पर को हटा दीजिए। अब रथ का आप कोरिलेशन वर्ड के हिसाब से करिए, र का करिए आप विटामिन ए के साथ, था का करिए आप विटामिन बी के साथ, ए का करिए आप विटामिन सी के साथ, का करिए आप विटामिन डी के साथ, टा का करिए ई के साथ, और फाका करिए के साथ। इस तरीके से हमें ट्रिक बनानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए अभी हम देखते हैं कि इससे ट्रिक से क्या फ़ायदा होता है। रथ पर एक टॉफ़ी, आपको यह याद रखना है, रथ पर एक टॉफ़ी, पर साइलेंट रहेगा, पर का रोल कुछ नहीं है, पर जो है हमने सेंटेंस बनाने के लिए लगा दिया है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ये रेटिनॉल विटामिन ए, यानी कि ऊपर हमें सीरीज में ही चलना है, रथ पर एक टॉफी को लेकर सीरीज में, पर साइलेंट रहेगा, बस ये ध्यान में रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है हमें। अब आते हैं विटामिन बी, देखिए सामने ऊपर था लिखा है ना रथ के बराबर में, क्योंकि बा है वो, हमें मैंने कहा था आपको सीरीज में ही चलना है, तो थाइमिन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब आते हैं विटामिन सी के ऊपर, विटामिन सी पर मैंने कहा था कि साइलेंट रहेगा तो ए आएगा, जाहिर सी बात है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फिर हम आते हैं का होता है कैल्सीफेरॉल, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अब आते हैं टा से होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के लास्ट में आता है फ्लोक्यूनॉन, ये जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अब हम देखते हैं इनसे क्या क्या डिजीज़ होती हैं और ये मतलब किस में सहायता करते हैं हमारी। विटामिन ए जो है मैंने आपको बता दिया रेटिनॉल है, जैसे रथ पर एक टॉफी, इससे रिलेटेड ये हो गया है। इससे जो होने वाले रोग हैं वो हैं रतौंधी संक्रमण का खतरा। रतौंधी क्या होता है? रतौंधी जो है हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, कि रात में दिखना बंद हो जाता है उस आदमी को, रात में नहीं दिख पाता है उसे सही से,
संक्रमण का खतरा। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी का देखते हैं, और ये विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा जो है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है हमें, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन बी। विटामिन बी बा से आप याद रख सकते हैं, विटामिन बी और बा से बेरी बेरी। ठीक है फ्रेंड्स, रा से रेटिनॉल और रा से रतौंधी, बा से बेरी बेरी और विटामिन बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का तो आपको पता है एस्कॉर्बिकम लोग है इसका रासायनिक नाम। इससे होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, इससे जो होने वाले रोग हैं नंबर एक पर है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। स्कर्वी नामक एक रोग है वो विटामिन सी की कमी से फैलता है, वो होता है, और मसूड़ों में सूजन आ जाती है, वो भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब आता है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। रिकेट्स नामक एक बीमारी जो होती है आपकी टांगों में जो है धनुषाकार टांगें हो जाती हैं, आपने देखा होगा धनुषाकार टांगें हो जाती हैं, जिसके अंदर जो है एक बच्चे की जो मतलब टांगें हैं वो थोड़ी सी धनुषाकार गोल टाइप की हो जाती हैं, तो उसे रिकेट्स कहते हैं। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई से जो है नपुंसकता हो जाती है, विटामिन ई से जो है वो कौन सा रोग होता है, नपुंसकता हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर। और लास्ट में आता है विटामिन के, रक्त का थक्का ना बनना। अब आप कहेंगे रक्त का थक्का ना बनना का मतलब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। देखिए फ्रेंड, जब भी आपके कभी खून निकलता है या चोट लग जाती है तो आपके जो है खून निकलता रहता है, और मतलब थोड़ी देर बाद वो है जो खून आना बंद हो जाता है। अगर फ्रेंड्स विटामिन के की आपके अंदर कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी रक्त नहीं जमेगा, रक्त खून निकलता रहेगा लगातार। तो हमें ध्यान में रखना है कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनने देता। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं पानी और वसा में जो है कौन कौन से, ये जो पानी में कौन कौन से घुलनशील हैं और वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं विटामिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ट्रक के माध्यम से हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी में मैंने कीड़ा डाला, क्या डाला आपको सामने कीड़ा दिख रहा है, मैंने इसको कीड़े को पानी के अंदर डाला। आगे देखते हैं, पानी के अंदर गया ये घुलनशील मतलब नहीं घुला, ये पानी के अंदर नहीं घुला, ये कीड़ा एज इट इज़ का एज इट इज़ आप देख रहे हैं नीचे ये रहा, ये कीड़ा नहीं घुल पाया। लेकिन जब मैंने जो है वसा में कीड़ा डाला ये रहा, तो वसा में जब मैंने कीड़ा डाला तो अगली साइड में हम देख रहे हैं कि वसा के अंदर का कीड़ा घुल गया वसा के अंदर, और पानी के अंदर नहीं घुला। तो कीड़ा जो है वो पानी के अंदर नहीं घुला और वसा के अंदर घुल गया। तो हमें याद रखना है कीड़ा, या आप देख रहे हैं सामने कि कीड़ा लिखा हुआ है, ये कीड़ा जो ऊपर लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं सामने, कीड़ा जो है कीड़ा से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो मुझे ये याद रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग कि कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। अभी आपने देखा इसके माध्यम से कि वसा में कीड़ा जो है मैंने डाला था ये रहा, और इधर जो है वो घुल गया, इधर हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें ये पता लगा कि कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है, वसा में घुल गया है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है वसा के अंदर घुलनशील विटामिन हैं फ्रेंड्स। अब जो है आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ केड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं विटामिन बी, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन बी से, जो इसके अंदर मेन जो है वो विटामिन B12 है, ये रहा विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर देखते हैं कि विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो नाम है साइनोकोबालामिन। आप देख रहे होंगे कि मैंने रेड कलर से ये कोबा लिख रखा है, क्यों लिख रखा है कोबा, इसके लिए भी एक ट्रिक है साइनोकोबालामिन। पहले तो आपको याद रखना है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। अब आता है कि कोबा, ये याद रखिएगा कि कोबा यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। फ्रेंड्स अब जो है टेस्ट मैंने इस वीडियो में ना लेते हुए, मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपका इस तरीके से मैंने टेस्ट तैयार कर रखा है ये पूरा का पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका टेस्ट कराऊंगा और हम देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा है पूरा विटामिन का चैप्टर, हम इस वीडियो के माध्यम से हम कितना सीखे हैं। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जो है चैनल पर मैं जब भी वीडियो डालूं फौरन आपके पास वो टेस्ट की वीडियो पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।